बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। दबिश के दौरान 120 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त। आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत कार्रवाई कर आरोपित को न्यायालय पेश किया गया। पानसेमल पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए कच्ची अवैध महुआ शराब बनाने वाले पर शिकंजा कसा। दबिश के दौरान 120 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। पुलिस के द्वारा दबिश में घर के पीछे रखी हुई चार पहिया वाहन के रबर के ट्यूब में 120 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई है। साथ ही आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। वहीं उसे बड़वानी CGM न्यायालय पेश किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है एवं पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराए जाने हेतु लगातार क्षेत्र में अवैध कारोबारी, अवैध शराब बेचने वाले, अवैध शस्त्र रखने वालों की लगातार सर्चिंग की जा रही है। कल ग्राम दिवड़िया में देवराम पिता जय सिंह पवार के घर भी दबिश दी गई थी। इसकी पूर्व में भी बार बार अवैध शराब की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके कब्जे से कल 120 लीटर कच्ची महुआ हथभट्टी की शराब जब्त की गई है। ये कल फरार हो गया था, इसको आज दबिश देकर गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध करके इसे आज माननीय CGM न्यायालय बड़वानी पेश किया गया और इससे और भी पूछताछ की जा रही है। बड़वानी लाइव। तेज हवा, आंधी और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ शुरू हुई बारिश। बड़वानी जिले के धनोरा में आज सुबह से ही बहुत गर्मी और उमस पड़ रही थी, जिससे लोग हलाकान हो रहे थे। तो वहीं बुधवार को हाड़ बाजार का दिन था, वहीं मौसम ने अचानक शाम 5:30 बजे करवट बदली और तेज हवा, आंधी और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। हाट बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदार भी अपनी दुकान बंद करते नजर आए। साथ ही हाट बाजार करने आए ग्रामीण भी बारिश से बचने के लिए दुकानों की ओर आश्रय लेते दिखाई दिए। वहीं खबर बताने तक बारिश का दौर जारी है।